केंद्र कट्टीवाड़ा में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल अलीराजपुर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले पर सीएमएचओ का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान अचानक महिला को घबराहट होने लगी थी, तबीयत बिगड़ गई। हालांकि महिला की मौत की असल वजह क्या है, ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। इधर परिजन डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। एक महिला जिसको इंजेक्शन लगाने के बाद ओटी में लिया गया था, ओटी में लेने के बाद उसकी चमड़ी पर कट लगाया और डॉक्टर साहब ने देखा कि उसको पसीना बहुत आ रहा। वो बोली थी मुझे घबराहट हो रही। घबराहट होने के बाद उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए पर उसकी घबराहट और पसीना कम नहीं हुआ, तो उसको तुरंत ओटी से बाहर निकाल के और रिकवरी रूम में लिया। वहाँ बोतल इंजेक्शन लगाए पर उसकी हालत बिगड़ती गई, उसको तत्काल जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया पर उसकी मौत हो गई। उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया था। ऐसा मुझे लग रहा है कि उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम रही होगी और इंजेक्शन देने के बाद हो सकता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई हो और अटैक जैसा मामला मुझे लग रहा है। ये पूरी जांच के बाद और पोस्टमार्टम के बाद पूरी स्थिति। तो अलीराजपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नसबंदी ऑपरेशन एक महिला का हुआ था और इस दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जिला अस्पताल उसे भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान ही महिला ने दम तोड़ दिया। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि महिला की तबीयत पहले ही खराब थी, उसे घबराहट होने लगी थी। वहीं परिजन इस मामले में डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि महिला की मौत की आखिर असली वजह क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। यतेंद्र सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। यतेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? जी, बताना चाहूंगा, अलीराजपुर जिले के कठेवाड़ा विकास सामुदायिक केंद्र का मामला है। वहाँ पे कल एलटीडी कैंप का शिविर लगा था, जिसमें अंबारी के गाँव की एक महिला थी और उसने वास्ता कार्यकर्ता के द्वारा उसको वहाँ पर लाया गया था और जबकि उसका ऑपरेशन हो चुका था, पर वहाँ पर डॉक्टरों का ये कहना है कि परिजनों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से ये उसकी मौत हो गई है। और वहाँ डॉक्टरों का ये कहना है कि उसको हमने जैसे कट लगाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, उसको बीपी बढ़ने लगा, हार्ट बीट बढ़ने लगी थी, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिया गया और जब नहीं वहाँ पे ठीक हो पाई तो उसको अलीराजपुर जिला अस्पताल में उसको रेफर भी किया गया था। उस वक्त तब तक बीच रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी, ये कहना है अपने हॉस्पिटल सीएमएचओ का, जबकि परिजनों का ये कहना है कि वो उसकी मृत्यु वहीं पे हो गई थी, कटिवाड़ा सामुदायिक केंद्र पे ही हो गई थी। कहीं ना कहीं ये लापरवाही लग रही है अपने। ठीक है, अभी इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उससे खुलासा होगा। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पहला मामला नहीं है।